हुई है, जी एक इंस्पेक्टर की हुई है और एक आमजन की हुई है, और जो बात सुनने में आ रही है उसको मैं जुबान से कहूंगा तब भी माहौल खराब होगा। SIT जांच अगर करेगी तो उसे ये जांच भी करना चाहिए कि आखिर इस काबिले एतराज़ गोश्त को यहाँ लाया कौन था, या ये काम किया किसने था, क्योंकि वहाँ तो दूर दूर तक भी अकलियती फ़िरके की आबादी नहीं है, और इस सारी भीड़ में भी कोई शख्स ऐसा नहीं है, और अभी तक कोई ऐसा सुराग भी नहीं है, क्योंकि इज्तिमा से लोग लौट रहे थे और ये विवाद कोई बहुत खतरनाक शक्ल अख्तियार कर सकता था। तो हो सकता है ये विवाद भी काम का हो जाता। जी ये कहा जा रहा है कि अखलाक मर्डर केस में ये गवाह थे, IO थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। तब तो SIT की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। SIT की जिम्मेदारी में वो वीडियो जो वायरल हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं उन लोगों से भी पूछताछ होना चाहिए जिन्होंने IO की और इंस्पेक्टर की शनाख्त की है, पहचाना है। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन, असाधारण पेंशन की उनकी पत्नी को असाधारण पेंशन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नियमानुसार एक कोई भी मृतक आश्रित है उसको एक जॉब दिया जाएगा, और इसके अलावा एक SIT की गठन किया गया है IG मेरठ रेंज के नेतृत्व में। वो सभी पहलुओं की जांच कर रही है कि ये घटना आखिर हुई क्यों, और गोकशी के बाद से भीड़ इतनी हिंसक क्यों हो गई, और उसमें सभी पहलू ध्यान दिए जाएंगे कि इनके साथ कितने लोग थे और लोग ड्यूटी छोड़ के क्यों चले गए, इत्यादि इत्यादि जो बातें जो मीडिया के माध्यम से आ रही हैं उनका भी समावेश SIT अपने जांच में करेगी। सर मतलब जो पुलिस कर्मी उस समय उनको अकेला छोड़ के भाग गए थे, विभागीय जांच भी के भी ऑर्डर किए गए हैं? नहीं, वो जो SIT जांच करेगी उसमें इन चीज़ों का भी इनका समावेश भी होगा, और अगर कोई लैक्सिटी इनके लेवल पे होगी तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी।